नमस्ते, मैं वंदना। आप सबका आवाज इंडिया में स्वागत है। आज मैं यहाँ पे न्यूरो एजुकेशन एक इंस्टीट्यूट है राजमपुरी सिक्स लेन कोल्हापुर, वहाँ पे हूँ और मेरे साथ पूजा मैडम है। और ये यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो फोर्थ स्टैंडर्ड से लेके टेंथ स्टैंडर्ड तक जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करते हैं, उनको जो उनका लर्निंग स्किल्स होता है उन पे इम्प्रोवाइज करते हैं। हम जान लेते हैं उनसे कि वो कैसे होता है, इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं। नमस्ते। नमस्ते मैम, आपका जो ये इंस्टीट्यूट है न्यूरो एजुकेशन, ये एग्जैक्टली क्या है? कुछ कंसेप्ट आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे प्लीज। बिल्कुल। न्यूरो एजुकेशन बेसिकली ब्रेन साइंस का काम करता है। ब्रेन साइंस बेसिकली कहा जाता है निमोनिक्स। अगर निमोनिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो निमोनिक्स बेसिकली ये रहता है कि आपको एक आर्टिफिशियल एड दिया जाता है मेमोरी को, कि जिसके कारण हमारे जो लेफ्ट और राइट ब्रेन होते हैं वो सिंक्रोनाइज होके हमारे जो भी कंटेंट है हम वो उसको इजीली याद कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है, और वो दोनों को मिला के कैसे काम किया जा सकता है वो आप सिखाते हैं। क्योंकि स्कूल में बेसिकली कैसे होता है कि हमें सिर्फ लेफ्ट ब्रेन पे ही काम करवाया जाता है, और यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करवा के उस पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं कंटेंट पे, तो बच्चों को ये इजी हो जाता है लर्निंग में और राइटिंग में, सब में ये इजी हो जाता है। हम पहले देखते थे, पहला जमाना ऐसे होता था कि चलो एग्जाम्स जाना है, पता है फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, फर्स्ट यूनिट होता है, सेकेंड यूनिट होता है, और बस एग्जाम के लिए लर्न करना है, एग्जाम राइट करना है, और उसके बाद में वो स्टैंडर्ड गया, सब गया। अभी वैसा नहीं है। अभी हमें सब कुछ अपने को ध्यान रख के याद करके हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसके बारे में आपको मतलब न्यूरो एजुकेशन जो है वो क्या हेल्प करता है इसमें? बेसिकली जो स्कूल रहता है, स्कूल हमें ये सिखाता है कि रीडिंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, स्पीकिंग कैसे करनी है, लेकिन रिकलेक्शन कोई नहीं सिखाता है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा ब्रेन साइंस, यही काम करता है कि आप जो भी कंटेंट हम पढ़ते हैं उसको रिकलेक्ट कैसे करना है, उसको रिटेंशन कैसे करना है। अभी रिटेंशन बोले तो इसको याद कैसे करना है लंबे समय तक, और रिकलेक्शन की जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल करना, याद रखना, कि जो भी हम रट्टा मारने से बेटर है कि हम साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके अगर हमको उसको पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो हमें लंबे समय तक याद रहे, मतलब आगे चल के 10th के बाद जब हम साइंस कॉमर्स कौन सी भी स्ट्रीम लेते हैं। मैडम, आजकल हम देख रहे हैं कि 8, 9, 10th के बच्चे जो होते हैं बहुत प्रेशर लेते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं, एग्जाम्स का डर रहता है, एग्जाम्स अटेम्प्ट करने से पहले ही सुसाइड केसेस हम लोगों ने देखे हैं, तो उस मामले में न्यूरो एजुकेशन क्या हेल्प कर सकता है, बच्चों को काउंसलिंग कैसे हो सकती है? बेसिकली पहले तो पेरेंट्स को और इंस्टीट्यूट्स जो भी स्कूल हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये जो पीरियड रहता है यहाँ पे प्रेशराइज ना करके अगर हम बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या, आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, क्योंकि बेसिकली लर्निंग स्टाइल जाना इज मच इम्पॉर्टेंट फॉर ईच चाइल्ड, क्योंकि ये जाने बगैर बच्चा रट्टा ही मारेगा। सही। तो वो जानने से पहले, वो जानने के लिए ही हम न्यूरो एजुकेशन ने ये काम किया है कि आपका कौन सा लर्निंग स्टाइल है, आप किस वे में अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो कोई भी कंटेंट को, और उस हिसाब से हम उनको काम करवाना सिखाते हैं। आपके यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट में क्लासेस होते हैं वो रोज होते हैं या कैसे होते हैं? नहीं, ये बेसिकली सिर्फ सैटरडे और संडे के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक बच्चे इंडल्ज होते हैं स्कूल और ट्यूशंस में। सही। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं भरे हुए कप में चाय और डालूंगी तो डेफिनेटली वो चाय बहेगी बाहर। सही। ठीक है, अगर कप खाली रहेगा उसमें मैं चाय भरूंगी तो अच्छे से मैं पी भी सकूंगी और किसी को दे पाऊंगी। तो बच्चे का ब्रेन भी वही होता है, ऑलरेडी उसको बहुत कुछ भरा रहता है, अगर मैं और भरूंगी तो इट विल बी वर्थलेस। बहुत ही अच्छी तुलना की है मैम ने, जैसे बताया कि भरे हुए कप में और क्या भरना, वो वेस्ट ही हो जाएगी। बहुत ही अच्छी तुलना है मैम। आजकल हम देख रहे हैं कि पिक्चर, जैसे अभी छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं जो पिक्चर आई है, तानाजी की जो पिक्चर आई है अभी, तो वो पिक्चर देख के ना उनको ध्यान में आ जाता है कि चलो तानाजी महाराज ने क्या किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था, लेकिन जब वो लेसन पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा ध्यान कम आता है, उनको उतना समझ में नहीं आता। तो आजकल जो विजुअलाइजेशन हो गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो न्यूरो एजुकेशन उस इसमें कुछ काम करता है या कुछ वैसे? बिल्कुल, ब्रेन साइंस यही काम करता है, बिकॉज ब्रेन जो हमारा रहता है वो फोटोग्राफिक मेमोरी को जल्दी कैप्चर करके स्टोर कर लेता है। अगर बेसिकली मैं आपको सिर्फ लेक्चर दूंगी
तो आपको वो कुछ याद नहीं रहेगा, बिकॉज 20% ईयर मेमोरी इज मोर देन पावरफुल देन आई मेमोरी. ईयर मेमोरी, आई मेमोरी, आई मेमोरी इज 20% मोर देन द ईयर मेमोरी. अच्छा, कि आपको मैं जो दिखाऊंगी वो आपको जल्दी से याद रहेगा इंस्टेड ऑफ लिसनिंग. तो ब्रेन साइंस हमारा यही काम करता है कि हम जो लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करते हैं उसको विजुअलाइज करवाना सिखाते हैं. जो फिल्म इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो काम कर रही है वो इसी पे कर रही है. अगर बेसिकली अगर एजुकेशन सिस्टम भी इसी पे काम करे तो डेफिनेटली सुसाइड केसेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, स्ट्रेस ये काफी हद तक कम हो जाएगा. सही बात है जो मैम ने कहा कि ये जो अभी चल रहा है, अगर फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री को ध्यान देके उस बेस पे पिक्चर्स बनाते हैं तो काफी कुछ बच्चों को उसमें से फायदा हो सकता है. मैम जैसे अब तक आपका ये कितने साल हो गए आपको ये इंस्टीट्यूट ओपन करके? मुझे अभी एक साल ही हुआ है ये इंस्टीट्यूट ओपन करके, और जितने भी मेरे बच्चे हैं उनपे मैंने ये बहुत अच्छे से ट्राई किया है, टेस्ट किया है, एंड इट्स रियली वर्किंग एंड इट्स वर्थ कि आप बच्चे यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, और उनका जो रिजल्ट है कंपैरेटिव टू प्रीवियस वन काफी ग्रो कर रहा है उनका, मतलब बच्चों को यहाँ पे आके फायदा हुआ है. और हमारा इंस्टीट्यूट ना ही सिर्फ कंटेंट स्टडीज पे काम करता है, ओवरऑल जो बच्चों के अंदर स्किल्स रहती हैं जी, डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, उस पर भी काम करता है. अच्छा, तो ओवरऑल जो बच्चा पहले कम बात करता था अभी नाउ इज ओपन अप टू विद स्ट्रेंजर्स ऑल्सो, कि उनको पता है हाउ एक्ट टू कोप अप विद someone, how I have to cope up with my parents. So moral values, personality development, overall जो skills रहते हैं वो भी institute develop करवाता है बच्चों के अंदर. Okay, मतलब यहाँ पे बच्चों का हम कह सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे बच्चों को admission दिलवाते हो, यहाँ पे वो आते हैं तो definitely उनका future बहुत अच्छा हो सकता है. एक अच्छे हैंड्स में आप अपने बच्चों को दे सकते हो. मैम ये रही बच्चों की बात, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं, आईपीएससी, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए जो अपीयर करते हैं, उनके लिए ये न्यूरो एजुकेशन क्या फायदेमंद हो सकता है? बेसिकली न्यूरो एजुकेशन का जो काम है कंटेंट सबके लिए वही रहता है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर सब्जेक्ट वाइज हो काम वही रहता है हमारा. बस ये हम ये सिखाते हैं कि हाउ टू स्टडी, कंटेंट चाहे जो भी हो आपको पढ़ना कैसा है हम वो सिखाते हैं, नॉट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट हाउ टू स्टडी दैट सब्जेक्ट. ओके, बहुत ही अच्छे से हमें पूजा मैम ने बताया कि पढ़ाई तो है लेकिन पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए और किस वे से उसको हम इंकर करना चाहिए वो बहुत ही अच्छे से बताया. मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के हमें इंटरव्यू दिया, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बताया कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है. थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टू मीट यू.